हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मैं बहुत ही यूनिक सा रेसिपी आज बना रही हूँ, तो वो है बची हुई बासी रोटी की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने चार रोटियाँ ली है, उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। आप चाहें तो इससे भी छोटे टुकड़े काट ले सकते हैं या हाथ से तोड़ लें। और जो इसमें मैं डालूँगी ये है एक बड़ा सा प्याज और 5-7 कलियाँ लहसुन की बारीक काट ली है, 4-5 हरी मिर्ची बारीक काट ली है, आधा छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, ये धनिया पत्ती और कड़ी पत्ता और एक बड़ा सा टमाटर बारीक काट लिया है। तो देखिए इस तरह से तोड़ लिया मैंने, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े, आप इस तरह से छोटे बड़े टुकड़े जैसी मर्जी आप तोड़ के डाल सकते हैं। और इसमें जो तड़के लगाऊंगी तो सेम प्रोसेस दोहरा गया। और ये मैंने ऐड किया है ये अदरक, वो लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया है, हरी मिर्ची भी 4-5 काट ली है, ये आधा छोटे चम्मच गरम मसाला, ये कड़ी पत्ता ये बहुत डालना ज़रूरी है, एक बड़ा टमाटर, धनिया की पत्ती काट ली है। और ये तड़के में मैं सरसों डालूँगी, ये आधा छोटे चम्मच है। और ये काली मिर्च है कुटी हुई 4-5 चुटकी, आधा छोटे चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी अपने स्वाद अनुसार। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल है फ्रेंड्स, आप जिस भी तेल में खाते हैं वही डालें। तो हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें तड़के डाल दूँगी। मैंने सरसों डाल दिया है इसमें, ये अच्छे से क्रैकल हो जाए। ये जो मैंने लाल मिर्ची डाला ये कश्मीरी लाल मिर्च है फ्रेंड्स, आप इसके जगह लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं। फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इसके सामने पास्ता सॉस, पास्ता पिज़्ज़ा मैगी सब बेकार है। ये है अपना देसी स्टाइल मैगी, वो भी बची हुई रोटियों से, जिसे हम फेंक देते हैं या कुत्तों को दे देते हैं, फिर भी कुत्ते खा लेते हैं तो जानवर खा लेते हैं तो किसी के पेट में चला जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों में कुत्ते जानवर मिलते नहीं हैं। ये देखिए मैंने हरी मिर्ची डाल दी जब हमारा सरसों क्रैकल हो गया। तो इसके बाद ये क्या बोलते हैं अदरक डाला, जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का सा कलर चेंज होगा फिर मैं डालते जाऊंगी। अब मैं लहसुन डाल दी हूँ, बारीक बारीक काटा है, जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सब ज़रूर डालें तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इतनी टेस्टी बनती है ना फ्रेंड्स सोच नहीं सकते हैं, आप कभी अंदाज भी नहीं लगाए होंगे। इसके बाद से आप लोग ऐसे ही बनाएंगे, ये बस हल्का सा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, कड़ी पत्ता डाल दूँगी। मैंने बहुत पहले से कड़ी पत्ता नहीं डाला था तो अभी देखिए अभी मैंने डाल दिया है। ये थोड़ा तड़क जाए, देखिए कलर चेंज हो गया हमारा लहसुन का, तो अब मैं प्याज डाल देती हूँ। ये मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पर प्याज डालने से बहुत अच्छी लगती है ये, उसे इसका भी हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। फिर मैं टमाटर डाल दूँगी, इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर नहीं, जब फ्लेम हाई करना होगा तो मैं बता दूँगी। तो देखिए अब मैं इसमें टमाटर डाल दी और टमाटर हमारा जल्दी से कुक हो जाएगा तो इसके लिए इसमें नमक डाल देते हैं। तो
नमक कम ही डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें नमक। तो देखिए पहले मैं धनिया डाल देती हूँ आधा छोटे चम्मच, और ये चार तीन चार चुटकी कुटी हुई दरदरी काली मिर्च है, ये दोनों को डाल दिया। ये सारे मसाले डाल दूँगी और अब मैं नमक डाल देती हूँ। हल्दी डाल दिया, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना नहीं डालें, लेकिन हम लोग सब्जियों में हल्दी डालते ही हैं तो इसलिए मैंने डाला। अब ये गरम मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। फ्रेंड्स टमाटर डालने के साथ ही नमक डालें, मैं भूल गई थी बाद में डाली। तो अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी हमारी रोटियां हैं उस अंदाज़ से मैंने डाल दिया, लगभग एक छोटे चम्मच नमक डाल दिया, इससे टमाटर हमारा जल्दी गल जाएगा। इसे थोड़ी देर भुनेंगे ताकि ये टमाटर थोड़ा मैसी हो जाए। ये गल जाएगा, वो देखिए टमाटर हमारा गल गया, दिख रहे होंगे मिक्स हो गया अच्छे से, आपको टुकड़ों में नहीं दिख रहा होगा। तो इस टाइम पे अब मैं इसमें रोटियां डाल दूंगी, जो हमारी बची हुई बासी रोटियां हैं। मुझे ये रेसिपी लगा कि आप लोगों के बीच शेयर करनी चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए मैंने की, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, और आज के बाद आप लोग कभी रोटियाँ फेंकेंगे नहीं। इसको एक दो मिनट ऐसे हल्का फुल्का भूनेंगे, उसके बाद इसमें मतलब चूँकि बासी रोटियाँ जो होती है वो थोड़ी कड़ी हो जाती हैं, तो इसको मतलब सॉफ्ट करने के लिए ये हमारा भुन गया। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, बस मसाले इसमें कोट करने हैं, भुन गया है। तो अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल दूँगी इसी टाइम पे। देखिए आधा गिलास है, अब थोड़ा जितनी रोटियां हैं आपकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आधा गिलास मैंने पानी डाला है। उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी हाई फ्लेम करके, उसे दो मिनट में रेडी हो जाएगी हमारा देसी पास्ता या देसी मैगी, जो भी बोल सकते हैं, देसी नूडल्स। और पास्ता मैगी इसके सामने तो फेल है, गारंटी से बोलती हूँ। बस दो मिनट लगे और देखिए हमारा ये हो गया है, कितने अच्छे से हो गया देखिए। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल देती हूँ और गैस को बंद कर दूँगी। फ्रेंड्स ये मैंने सुबह के नाश्ते में बना दी थी, तो वीडियो लेट अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि एडिट नहीं किया था। तो आप लोग इस तरह ज़रूर बनाना एक बार, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी बनी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखकर, यम्मी यम्मी लग रही है ना फ्रेंड्स। तो हमारा ये रेडी हो गया, मैं इसे उतार देती हूँ और प्लेट में निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आ जाइए, मैंने सर्व कर दिया है। तो रेसिपी कैसी लगी हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं करती हूँ वीडियो का द एंड। तो वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही बाय बाय फ्रेंड्स।